बीजेपी को अयोध्या में जिलाधिकारी के कारण हार मिली है। क्या डीएम सपा के अधिकारी हैं? क्या बीजेपी को अयोध्या में हराने में डीएम का हाथ था? दरअसल ये हम नहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास कह रहे हैं। अयोध्या चुनाव जिस प्रकार से डीएम ने हरवा दिया, बीते दिनों देश की 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी वाले गठबंधन एनडीए ने सरकार भले फिर से बना ली हो, लेकिन रामनगरी अयोध्या में मिली हार किसी को पच नहीं रही। जब से परिणाम घोषित हुए हैं, तब से सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। नेता से लेकर पत्रकार बीजेपी की हार की समीक्षा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी हार के गुनहगार का पता लगाने में जुटी। इस बीच रामनगरी अयोध्या में हार की समीक्षा करने योगी सरकार के दो मंत्री पहुंचे थे, उनके साथ महंत राजू दास भी मौजूद थे, तो वहीं अयोध्या के जिलाधिकारी के पास दोनों समीक्षा की बात को लेकर पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिस पर जमकर बवाल मचा है। योगी सरकार के दो कैबिनेट मंत्रियों के सामने ही डीएम अयोध्या नीतीश कुमार और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। खबर तो ये भी है कि दोनों के बीच झड़प भी हुई, लेकिन इसकी पुष्टि फिलहाल कोई नहीं कर रहा है। वहीं इस बवाल के बाद राजू दास के गनर को भी वापस ले लिया गया। इस पूरे बवाल के बाद मीडिया के सामने आए महंत राजू दास ने डीएम पर आरोपों की भरमार कर दी। राजू दास का कहना है कि बीजेपी अयोध्या में डीएम नीतीश कुमार की वजह से हारी है। राजू दास यही नहीं रुके, उन्होंने डीएम को समाजवादी मानसिकता वाला अधिकारी भी बता डाला। अयोध्या चुनाव जिस प्रकार से डीएम ने हरवा दिया, यह आरोप मेरे डीएम के ऊपर थे। बैठक में जिस प्रकार से संत की सरकार में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, मोदी जी और योगी जी के लिए काम करते हैं, और पुनः तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हम लोग कार्य और काम करते हैं, जिसकी लेकर बैठक चल रही थी। और उस बैठक के बीच में जिस प्रकार से डीएम का अभद्रता करना संतों का अपमान है, मैं मांग करता हूं तत्काल प्रभाव से यहां के डीएम हटाए जाए। कार्यकर्ता की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, मोदी जी के लिए काम करना, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए कार्य करना, ये कुछ समाजवादी पार्टी के मानसिकता के अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है, मैं यही कहूंगा। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, महाराज जी के लिए कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी का इस प्रकार सा व्यवहार, शुद्ध रूप से संतों का अपमान, अभद्रता किया उसने, गालियां बकी उसने, इसके नाते तत्काल प्रभाव से डीएम हटाई जाए। सुना आपने, राजू दास डीएम को ही बीजेपी की हार का कारण बता रहे हैं और तत्काल प्रभाव से उनको हटाने की मांग भी कर रहे हैं। दरअसल प्रशासन और राजू दास के बीच लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से विवाद चलता आ रहा है। राजू दास ने भाजपा की हार के बाद अयोध्या प्रशासन के अधिकारियों को लेकर काफी विवादित बयान दिए थे, जिसको लेकर प्रशासन के अधिकारी राजू दास से गुस्सा थे। ऐसे में जब आईएएस और राजू दास के बीच विवाद हुआ, तो प्रशासन ने एक्शन लेते हुए राजू दास की सुरक्षा ही वापस ले ली। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का दावा और हजारों करोड़ों का विकास करने के बावजूद बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फैजाबाद सीट से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह को सपा के अवधेश प्रसाद ने 50,000 से ज्यादा वोटों से मात दी, जिसके कारण बीते दिनों अयोध्या काफी चर्चा में रही और अब राजू दास और डीएम के बीच विवाद खूब तूल पकड़ रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।